किसी को बाहर न सोना पड़े, हम लोगों ने उसके निमित्त सरकारी व्यवस्थाएं भी की हैं, जो हमारे परमानेंट रैन बसेरे थे उनकी व्यवस्थाओं को भी चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। साथ में नगर विकास विभाग के द्वारा टेम्पोरी रैन बसेरे भी बनाए जा रहे हैं। अभी एक ऐसे रैन बसेरे में परिवर्तन चौक में जा कर के आया। साथ ही सरकार के प्रयासों में समाज के प्रयास को जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। यहाँ ये शैक्षिक संस्था ने इतना अच्छा रैन बसेरा बनाया है, आपको देख करके आप भी प्रभावित हुए होंगे कि एक एक ही बिस्तर को तीन लेयर पे बना करके उन्होंने कम जगह में ज़्यादा लोगों को आश्रय देने का जो प्रयास किया है। और यहाँ के जो KGMU के जो डॉक्टर लोग सेवा कर रहे हैं मरीजों की, लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं, उनके तीमारदार कुछ ऐसे हैं जिनको सहारे की आवश्यकता होती है, उनके पास कहीं रात बिताने की जगह नहीं होती है। ऐसे कई लोग यहाँ मिले जिन्होंने इस जगह पे आश्रय लिया हुआ है। मैं इस रैन बसेरे के आयोजकों को, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके लिए जो उसके लिए जो कार्य कर रहे हैं लोग, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। समाज उपयोगी ऐसे कार्यों को करने के लिए जो लोग भी आगे आ रहे हैं उनका मैं नमन करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सरकार के नगर विकास विभाग के प्रयासों में वो लोग अपना हाथ बटा रहे हैं। सर, लिफ्ट एक्ट के लिए सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।